यूपी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम खत्री को मिला मायके का समर्थन। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम खत्री का मायके दिल्ली के शहबाद मोहम्मदपुर गांव में है। इस गांव से आज तक किसी को भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, लेकिन जब इस गांव की बेटी को बीजेपी से टिकट मिला तो गांव के सैकड़ों लोग अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग भले ही मेहरौली विधानसभा के वोटर ना हो, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम खत्री के समर्थक हैं। गांव की एक परंपरा रही है कि बेटी कोई भी शुभ कार्य करती है तो गांव के लोग उन्हें नगद रुपए देकर आशीर्वाद देते हैं। इसी परंपरा के तहत सैकड़ों लोग, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी काफी संख्या में थीं, सभी लोगों ने अपने लाडली को उपहार स्वरूप नगद रुपए दिए और यह दावा किया कि इनके जो भी रिश्तेदार मेहरौली विधानसभा में होंगे उनके सभी लोग बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। अपने भाई, अपने पिता, सम्मान, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पाकर बीजेपी उम्मीदवार की आंखें भी नम हो गईं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अनोखा कल्चर जिसमें अब बड़े अपने घर की बेटियों को कुछ कोई शुभ काम करने से पहले नगद रुपए देकर उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो उस शुभ काम में आगे बढ़े। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दिल्ली की सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच एक बेहद मार्मिक तस्वीर मेहरौली विधानसभा से देखने को मिली, जहां पर कुसुम खत्री के मायके से सभी लोग उनके निवास स्थान पर आए और वहां पर उन्होंने उनको अपनी परंपरा के अनुसार नगद रुपए देकर सम्मानित किया और उसके अलावा उनको अपने अपने आशीर्वाद भी दिए और ये भी प्रण लिया कि उनके जो भी रिश्तेदार मेहरौली विधानसभा के अंदर रहते हैं वो सभी बीजेपी को वोट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की हर पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश सोनी की रिपोर्ट। हो इतनी तरक्की हो, जिसने एक बहन की इज्जत के लिए इतने लोगों को बुला करके मेरा सम्मान किया। बहन बेटियां तो रहती ससुराल में हैं, पर उनकी आत्मा अपने पियर में पड़ी रहती है। मैं भाषणबाजी बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे भाई ने मुझे बता दिया, मेरी जो जो विधानसभा है, इस गांव से जो भी बहू आई हुई है, उन गांव से, किशनगढ़ से, बेरसराय से, लाडोसराय से, वसंत कुंज आई भतीजा या बेटी आई है या हमने बेटी दे रखी है, तो आप सब अपनी अपनी जगह पे जाके बोलें कि कुसुम खत्री हमारी खुद की बुआ और बेटी है, खुद की हमारी बहन है, तो उसे वोट करें। आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ जो भी वोटिंग करें वो सत्यप्रकाश नारायण जी को करें, क्योंकि अगर बीजेपी आगे आएगी तो हमारा देश बचेगा। धन्यवाद। हम आपकी कही हुई बातों को का पालन करेंगे और आपको विजय श्री तक पहुंचाने में हम आपकी जरूर सहायता करेंगे बहन। और बहन जी का कहना आशीर्वाद देना चाहते हैं भाई अजीत स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महसूस करने के लिए शब्द नहीं, आंखों में आंसू हैं, गला बिल्कुल नम है। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी नहीं, आज मेरा पूरा गांव मेरा पिताजी है। मेरा एक भाई नहीं, पूरा शाहबाद मेरा भाई है। आज मेरा एक भतीजा नहीं, मेरे कम से कम 100-150 भतीजे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर किसी बहन बेटी को इतना सम्मान उसके घर वाले दे दें तो उसकी जीत निश्चित। ये एक चुनावी संघर्ष है, ऐसे में अपनों का साथ मिलना किस तरीके से आपको प्रेरित? मुझे लगता है आज मेरे अंदर घोड़े जितनी ताकत है। मुझे लगता है जो रोज़ मैं 20-25 किलोमीटर पैदल चलती हूँ, अब मुझे कोई 250 किलोमीटर भी चलाएगा तो मैं चल पाऊँगी। आज शायद पूरे हिंदुस्तान में मुझ जितनी भाग्यशाली कोई बेटी नहीं होगी जितनी मिसेस कुसुम खत्री। यहाँ की आवाम के लिए क्या पैगाम है आपके? ये मेरा घर है, ये मेरी आवाम नहीं है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है। यहाँ कुर्सियाँ इसलिए थी क्योंकि घर में इतने आदमी बैठ नहीं सकते। माइक इसलिए था क्योंकि इनकी बुआ बहन बेटी इतनी तेज बोल नहीं सकती। यहाँ कोई सभा नहीं, मैं अपनों के बीच में आई हूँ। और यकीन मानिए, जीतने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम मैं शाहबाद में करूँगी, मेरे गाँव में करूँगी, जिस मिट्टी में मेरा बचपन बीता, जहाँ मैं बड़ी हुई, सब कुछ सीखा। आज मुझे कोई कहता है मैं सहनशील हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत सज्जन हूँ, वो मेरा खुद में कुछ नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया और मैं उसको कर रही हूँ। दूसरी बात, जीतने के बाद मैं यहाँ आऊँगी, मुझे विश्वास है इस सीट के सत्यप्रकाश राणा भी जीतेंगे, मगर
एक बेटी और बहन के नाते मैं अपने शाहबाद के लिए विधानसभा में भी लड़ूंगी, क्योंकि अपनों के लिए नहीं लड़ूंगी तो अपना कहना गलत है। ठीक ठीक, बहुत रविंदर जी, आज आपने अपील की है लोगों से, यहाँ के लोगों से, खासकर कुसुम खत्री जी यहाँ की बेटी हैं, तो अपील की है एक वोट की, क्योंकि गांव काफ़ी पड़ते हैं महरौली विधानसभा में, तो किस तरीके से मुहिम को आगे चलाएंगे आप? देखो, ये हमारी कुसुम खत्री जी बिटिया है, हमारे गांव की, शाहबाद मोहम्मदपुर की बिटिया है। आज हमने यहां पर इनको बुला के और जीत का आशीर्वाद दिया है, और एक जिम्मेदारी हमने भी गाँव वालों ने सबने मिल के ली है कि हम भी जो महरौली विधानसभा है, सभी गाँव के व्यक्ति जाकर वहाँ पर चुनाव प्रचार इनके पक्ष में करेंगे, और जितने भी हमारे जानने वाले हैं, हम दिन रात करके उनको हम समझा के इनके लिए वोट, भाजपा के लिए वोट डलवाएंगे, और भारी बहुमत से इनको हम जिताएंगे, समस्त ग्रामवासी, शाहबाद मोहम्मदपुर वासी। ठीक, लेडीज़ के करो।